सच के साथ। काशी नटिनियादाई व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नगर निगम के वर्णापार के जोनल अधिकारी नदेसर स्थित कार्यालय पर मिला। वह उन्हें क्षेत्र की समस्या के निवारण हेतु एक पत्रक सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे काशी नटिनियादाई व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम गौड़ ने कहा कि विगत कई दिनों से भोजू भीड़ से सरसौली लेकर मीरापुर बसई होते हुए नटिनियादाई मंदिर तक सड़क मार्ग इन दिनों 10 मीटर 25 मीटर 50 मीटर से 100 मीटर के लगभग दूरी पर कई जगह छोटे बड़े हो गए हैं, जिससे प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क के दोनों तरफ किनारे पर कई जगह पर अत्यधिक मिट्टी एकत्र हो गई है। मिट्टी की वजह से वातावरण भी दूषित हो रहा है। व्यापारियों व क्षेत्रीय नागरिकों के स्वास्थ्य और दुकानों के सामान भी खराब हो रहे हैं। मिट्टियों से नाली के छेद बंद हो गए हैं, जिससे बरसात का पानी नालियों में नहीं बह पा रहा है। पानी सड़क पर जमा हो जाने की वजह से सड़क भी खराब होते जा रही है, जबकि ये जिला मुख्यालय व सर्किट हाउस से 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर भोजूबीर मीरापुर बसई होते हुए यह सड़क मार्ग ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला केंद्र, हॉकी स्टेडियम व रिंग रोड को जोड़ती है। श्री गौड़ ने कहा कि 2019 जनवरी में एड़े गांव में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो उस समय इस सड़क मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लगभग एक वर्ष के पश्चात सड़क मार्ग खस्ता हाल हो गई। आज पीके द्विवेदी जो है यहाँ के जो अधिकारी, उन्होंने बोला कि हमारे जो विभाग से जो काम है कूड़ा उठाने का, मिट्टी उठाने का ये काम है, बाकी जो काम है सड़क का, सीवर का, वो जल निगम और PWD करेगा। ये चीज़ यहाँ तीन लोग बहाना करते हैं, वही कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है, तीन लोग सारे लोग आपस में ट्यूनिंग करके सब काम हो जाता है। इन लोग की हवा खराब रहती है। हम जनता इसी पर यहाँ पे हैं, आज ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी BJP कार्यकर्ता लोग भर रहे हैं। सारे शासन में हर कुछ है, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। सरकार कर रही, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीचे के कर्मचारी क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। क्या उनका परिवार नहीं चलता इस रोड पे? क्या उनको इन बरात नहीं रहना? क्या है स्मार्ट सिटी के तहत ये बनाया जा रहा है? स्मार्ट सिटी के तहत ये है कि जब तक जनता शिकायत न करे लोग काम नहीं करेंगे। सच के साथ।